हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नमाला 4.2 से संबंधित उदाहरण को हल करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें उदाहरण नंबर 8 में हमें एक सारणिक का मान बिना प्रसार के ज्ञात करना है। दी गई सारणिक को हम डेल्टा मान लेते हैं। अब इसमें C1 में चेंज कर रहे हैं C1 - C2, जिससे पहला स्तंभ बन जाएगा 49 - 1, 39 - 7, 10 - 2, बाकी दूसरे और तीसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस आधार पर पहला स्तंभ बनेगा 48, 32 और 8 से मिलकर बना हुआ 1, 7, 2 दूसरा स्तंभ, 6, 4, 1 तीसरा स्तंभ। इसके बाद पहले स्तंभ में से हम लेते हैं 8 कॉमन, जिसके बेस पर 8 बाहर और पहले स्तंभ में जो एलिमेंट है वो बचेंगे 6, 4 और 1। फिर है 1, 7 और 2 से मिलकर बना हुआ दूसरा स्तंभ और 6, 4 और 1 से मिलकर बना हुआ तीसरा स्तंभ। इस क्वेश्चन में पहला और तीसरा स्तंभ एक जैसे हैं, इसलिए गुणधर्म की सहायता से सारणिक का मान 0 होगा, तो ओवरऑल आंसर बन जाएगा 0। और ये हमने किया है C1 = C3 से। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 9, जिसमें फिर से बिना प्रसार के सारणिक का मान ज्ञात करना है। दी गई सारणिक को मान लेते हैं डेल्टा। इसे आगे हल करने के लिए हम C2 में चेंज कर रहे हैं C2 + C3, जिसके आधार पर सारणिक डेल्टा कुछ बन जाएगी 1, 1, 1। पहले स्तंभ में कोई चेंज नहीं, दूसरे स्तंभ में दूसरे और तीसरे का योग, तो जहां पर मिलेगा हमें A + B + C प्रत्येक एलिमेंट। इसके बाद तीसरा स्तंभ जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिख दिया। इसके बाद दूसरे स्तंभ में से A + B + C हमने लिया कॉमन, जिससे सारणिक का मान बनेगा A + B + C कॉमन, और सारणिक के अंदर पहला स्तंभ 1, 1, 1, दूसरा स्तंभ भी 1, 1, 1 और तीसरा स्तंभ B + C, C + A और A + B से मिलकर बना हुआ। इसमें पहला और दूसरा स्तंभ एक जैसे हैं, इसलिए सारणिक के गुणधर्म से ओवरऑल आंसर बनेगा 0, क्योंकि C1 = C2। ये आपका फाइनल आंसर। अगला है उदाहरण नंबर 10, जिसमें फिर से सारणिक का मान बिना विस्तार से ज्ञात करना है। इस सारणिक में यदि मैं स्तंभों पर फोकस करूं, तो स्तंभ के सारे एलिमेंट को जोड़ने पर हमें मिलेगा 0। इसलिए मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ R1 + R2 + R3, जिसके आधार पर सारणिक का मान होगा, पहली जो आपकी पंक्ति है वो आपको तीनों पंक्तियों से को जोड़ने से मिलेगी, तो मिलेगा 0, 0 और 0, बाकी दूसरी और तीसरी पंक्ति में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब इस सारणिक में जो पहली पंक्ति है उसके सारे एलिमेंट 0 हैं, तो हम सारणिक के गुणधर्म से जानते हैं कि अगर किसी सारणिक की कोई पंक्ति स्तंभ के सभी अवयव 0 हो, तो सारणिक का मान भी 0 होता है। ये आपका फाइनल आंसर। अगले एग्जांपल में हमें एक सारणिक को एक मान के इक्वल सिद्ध करना है, तो जिसकी जो LHS है सारणिक के रूप में कुछ इस प्रकार है, जिसके स्तंभ में हमें 1, 1, 1 मिल रहा है। इसे आगे हल करने के लिए मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ R1 - R2। इस आधार पर LHS हमें मिलेगी, दूसरी और तीसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं है, तो हम उनको एज इट इज नोट कर रहे हैं। पहली पंक्ति के स्थान पर इन एलिमेंट का अंतर आ जाएगा, तो पहली पंक्ति बनेगी 0, x - y और x² - y². इसी प्रकार R2 में चेंज करते हैं आगे चलकर R2 - R3, तो हमें LHS मिलेगी,
पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं, दूसरी पंक्ति के स्थान पर दूसरी और तीसरी का अंतर करेंगे तो 0 y माइनस जेड और y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में भी हमने अभी कोई चेंज नहीं किया है। आगे चलकर हम पहली पंक्ति को लिख रहे हैं 0 x माइनस वाई और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के गुणनखंड बनेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति बन जाएगी 0 y माइनस जेड और y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। तीसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं, 1 जेड और जेड स्क्वेयर से बनी हुई। इस प्रकार देखिए तो पहली पंक्ति में से x माइनस वाई और दूसरी पंक्ति में से y माइनस जेड हम लेंगे कॉमन, जिसके बाद x माइनस वाई वाई माइनस जेड बाहर और शेष जो बचा वो है 0 1 x प्लस वाई 0 1 वाई प्लस जेड 1 जेड और जेड स्क्वायर से बनी हुई सारणिक। इसके अंदर पहले स्तंभ में 2 शून्य आ चुके हैं तो हम इसका विस्तार पहले स्तंभ के सापेक्ष कर देंगे, जिसके बाद इसका उत्तर बनेगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड और सारणिक को खोलेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1। अब इस एक के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर शेष बची हुई सारणिक है 1 x प्लस वाई और 1 वाई प्लस जेड से बनी हुई सारणिक, जिसको आगे हल करें तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड और हमें सारणिक खोलने अंदर वाली सारणिक खोलने पर मिलेगा y प्लस जेड माइनस x माइनस वाई, जिसमें y से y कैंसिल तो ओवरऑल आंसर बचेगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, जो कि इस क्वेश्चन की RHS है। हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12, जिसमें हमें बिना विस्तार के दो सारणिक को इक्वल सिद्ध करना है, तो मैं ले रहा हूँ LHS वाली सारणिक, जिसको हल करने के लिए मैं पहले C1 में चेंज कर रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, जिसके आधार पर पहला स्तंभ बन जाएगा 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी 2 गुणा पी प्लस क्यू प्लस आर और 2 गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बाकी दूसरा और तीसरा स्तंभ जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। इसके बाद पहले स्तंभ में से कॉमन लिया 2, तो LHS बन जाएगी 2 गुणा में ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाकी दोनों स्तंभ एज इट इज। अब हमें आंसर को मैच करने के लिए दूसरे स्तंभ में बी क्यू और वाई चाहिए, इसके लिए मैं दूसरे स्तंभ में चेंज करने वाला हूँ, दूसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ को घटा दूंगा, अर्थात C2 में चेंज कर होगा C2 माइनस C1, जिसके आधार पर 2 C2 में से C1 घटाएंगे तो C1 में कोई चेंज नहीं है, इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं। C2 में चेंज हुआ तो बन जाएगा माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई और C3 में कोई चेंज नहीं है। इसी प्रकार अगली बार C3 में चेंज कर रहा हूँ C3 माइनस C1, जिससे अगला पद बनेगा 2 गुणा में सारणी के प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई और माइनस सी माइनस आर माइनस जेड से बनी हुई सारणिक। अब आंसर मैच करने के लिए मुझे पहले स्तंभ के स्थान पर सिर्फ ए पी एक्स की ही आवश्यकता है, इसलिए मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 को यूज़ करूँगा, अर्थात C1 में चेंज कर रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, जिससे ये सारणिक बन जाएगा तो बाहर इन सब का योग ए, इस हिसाब से दूसरे में बी सॉरी पी और तीसरे में एक्स, इसी प्रकार दूसरे स्तंभ में माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई
और तीसरे स्तंभ में माइनस सी, माइनस आर और माइनस जेड बचेगा। अब आंसर तक पहुंचने के लिए इन दोनों स्तंभों में से माइनस कॉमन ले रहा हूं, जिससे हमारा आंसर बनेगा माइनस एक और माइनस एक कॉमन, बाहर ऑलरेडी दो था, यहाँ पर आ गया ए पी एक्स, बी क्यू वाई और सी आर और जेड से बनी हुई सारणिक, जिसका ओवरऑल आंसर बनेगा दो गुणा में ए बी सी, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड से मिलकर बनी हुई सारणिक, जो कि आपकी आर एच एस है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 13, जिसमें दिया गया है कि एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न हैं। इसका मतलब कि एक्स वाई और जेड आपस में इक्वल नहीं हैं। और प्रश्नानुसार एक सारणी को जीरो के इक्वल दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि एक्स गुणा वाई गुणा जेड का मान होगा माइनस एक। इसके लिए हम इस दिए गए सारणी को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर ये जो तीसरा स्तंभ है ये दो एलिमेंट का योग है, तो हम इसको सारणिक के गुणधर्म से दो सारणिकों के योग के रूप में चेंज कर सकते हैं, जिस आधार पर ये बनेगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सारणिक का जो तीसरा स्तंभ है उसको एक बार छोड़ देते हैं और इसी प्रकार दूसरे सारणिक में एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और सारणिक और इक्वल में जा रहा है जीरो। अब पहली सारणिक में तो आएगा एक 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 और दूसरी सारणिक में आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। अब पहली सारणिक में हम चेंजिंग कर रहे हैं सी टू और सी थ्री को इंटरचेंज करके, और हम जानते हैं कि अगर ऐसा हो तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस की जगह कर दिया माइनस और दूसरे स्तंभ में आ गया एक 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 और तीसरा स्तंभ बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से बना हुआ। दूसरी सारणी की पहली पंक्ति में से कॉमन आ सकता है एक्स, दूसरी में से वाई और तीसरी में से जेड। इस आधार पर एक्स वाई जेड कॉमन आके बाहर बाकी बचा वन एक्स एक्स स्क्वायर, वन वाई वाई स्क्वायर, वन जेड और जेड स्क्वायर से बनी हुई सारणी और इक्वल ज़ीरो। अब इन दोनों सारणी को इक्वल करने के लिए मैं पहली सारणी में इन दो स्तंभों को फिर से इंटरचेंज करूँगा, अर्थात पहली सारणी में हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं सी वन और सी टू को इंटरचेंज करके। इस आधार पर पहले जो माइनस था एक माइनस और आ जाएगा और पहली सारणी बन जाएगी एक एक और एक एक्स वाई और जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से बनी हुई। इसी प्रकार दूसरी सारणी में एक्स वाई जेड वन 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 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और इक्वल चाह रहा है ज़ीरो। अब माइनस माइनस हो गया प्लस और दोनों में से जो कॉमन आ सकता है वो आ सकती है सारणिक और शेष बचेगा वन प्लस एक्स वाई जेड और सारणिक बच गई वन 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 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एलिमेंट से मिलकर बनी हुई इक्वल ज़ीरो। अब इस पार्ट को हमने एग्जांपल नंबर 11 में सॉल्व किया है, जिसमें हमने R1 में चेंज किया था R1 माइनस R2 से। इस आधार पर इसका अगला स्टेप बनेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू जीरो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और बाकी दो पंक्तियां एज इट इज। सारणिक इक्वल ज़ीरो। अगले स्टेप में R2 में चेंज किया R2 माइनस R3, जिससे हमें मिलेगा अब पूर्व की भांति ही हम लोग पहली और दूसरी पंक्ति के गुणनखंड करके x माइनस वाई और y माइनस जेड को कॉमन लेंगे, तो शेष सारणिक बचेगी 0 0 1 1 1 जेड एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर से मिलकर बनी हुई, जिसको हम c1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, जिससे आखिर में उत्तर मिलेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड
और जेड माइनस एक्स इक्वल टू दी ज़ीरो। अब समीकरण एक से ये तीनों मान जीरो नहीं हो सकते क्योंकि एक्स वाई और जेड इक्वल नहीं है। तो इस आधार पर वन प्लस एक्स वाई जेड इक्वल बनेगा जीरो और इसके लिए मैंने समीकरण एक का प्रयोग किया है। इस आधार पर एक्स वाई जेड का मान आएगा माइनस एक और हमें अंत में यही सिद्ध करना था। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 14 जिसमें हमें एक सारणी का मान ज्ञात करना है और मैंने उसको मान लिया डेल्टा। इन बटे वाले मानों को ख़त्म करने के लिए मैं पहली पंक्ति में ए का, दूसरी पंक्ति में बी का और तीसरी पंक्ति में सी का गुणा कर रहा हूँ, अर्थात आर वन में चेंजिंग कर रहा हूँ ए आर वन, आर टू में चेंजिंग कर रहा हूँ बी आर टू और आर थ्री में चेंजिंग कर रहा हूँ सी आर थ्री। और सारणिक के गुणधर्म से इनको बैलेंस करने के लिए हमें बाहर लिखना पड़ेगा एक बटे ए, एक बटे बी और एक बटे सी। अब पहली पंक्ति में ए से गुणा करने पर हमें मिलेगा वन, ए क्यूब और ए बी सी। दूसरी पंक्ति में बी से गुणा करने पर मिलेगा वन, बी क्यूब और ए बी सी। और तीसरी पंक्ति में मिलेगा वन, सी क्यूब और ए बी सी से मिलकर बनी हुई सारणिक। अब इसके अंदर तीसरे स्तंभ में से हमने कॉमन ले लिया ए बी सी, तो बाहर था वन अपॉन ए बी सी और अब तीसरे स्तंभ से कॉमन आ गया ए बी सी, तो सारणिक में बचा वन वन वन, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और आखिरी स्तंभ में भी बचा वन वन और वन। ये कैंसिल और इसमें पहला और तीसरा स्तंभ एक समान है, तो सारणिक में कोई दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ एक समान होने पर सारणिक का मान प्राप्त होता है शून्य। तो इस आधार पर इसका उत्तर आ जाएगा ज़ीरो और ऐसा हमने C1 और C3 के इक्वल होने से लिखा है। हमारा अगला एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 15 जिसमें एक सारणिक को एक मान के इक्वल हमें सिद्ध करना है। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ LHS को, जिसको हल करने के लिए हम सबसे पहले C1 में चेंज करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से। इसके आधार पर हमारा LHS बनेगा जिससे पहला स्तंभ बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। बाकी दोनों स्तंभों में कोई चेंज नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ C1 में ही चेंज किया है। अब इसके बाद पहले स्तंभ में से हमने कॉमन ले लेना है जिसके बाद सारणिक बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। पहले स्तंभ में आएगा एक एक और एक और बाकी दोनों स्तंभ एज इट इज। अब यहाँ पर पहले स्तंभ में तीन एक आ गए हैं जिनका अंतर आएगा ज़ीरो, अतः हम ये चेंज करेंगे जिससे अधिकतम संख्या में शून्य बन सकें। आर टू में चेंज किया आर टू माइनस आर वन जिससे सारणिक बन जाएगी 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी और 1, ए बी में कोई चेंज नहीं, बाकी बचेगा 0 ए प्लस बी प्लस सी और 0 और तीसरी पंक्ति में भी कोई चेंज नहीं। अब इस सारणिक में दूसरी पंक्ति में दो शून्य आ चुके हैं इसलिए R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर, जिसके बाद इसका उत्तर बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और सारणिक को खोलने पर हमें उत्तर मिलेगा माइनस 0 प्लस ए प्लस बी प्लस सी और सारणिक मिलेगी 1 बी 0 सी प्लस ए प्लस सॉरी यहाँ पर 1 मिलेगा और इसमें मिलेगा 2B और आखिर में फिर से आएगा माइनस 0। इस आधार पर इसका ओवरऑल मान बनेगा 2 गुणा में ए प्लस बी प्लस सी और मंझले कोष्ठक के अंदर जो बचा है वो है ए प्लस बी प्लस सी और सारणिक को खोलने पर, इस अंदर वाले सारणिक को खोलने पर हमें मिलेगा सी प्लस ए प्लस 2B माइनस बी। इसको आगे हल करते हैं तो आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और मंझले कोष्ठक का मान भी बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, जिसके आधार पर इसका ओवरऑल उत्तर आएगा 2 गुणा में
ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, और यही आपकी आरएचएस है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 16, जिसमें फिर से एक सारणी का मान ज्ञात करके उसको किसी अन्य मान के इक्वल हमें सिद्ध करना है, जिसके लिए मैं एलएचएस लूँगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में हम पहला चेंज करने वाले हैं R1 में R1 माइनस R2 से, जिस आधार पर हमें मिलेगा A माइनस B 0, दूसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं और तीसरी पंक्ति में भी कोई चेंज नहीं। इसी प्रकार R2 में चेंज करते हैं R2 माइनस R3, जिससे हमें मिलेगा पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं, दूसरी पंक्ति के स्थान पर 0, B और माइनस C और तीसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं। अब हम इसका प्रसार R1 के सापेक्ष करते हैं, जिससे हमें मिलेगा A गुणा में B माइनस C, एक और एक प्लस सी से बना हुआ सारणिक, माइनस माइनस प्लस बी, 0 माइनस सी, एक और एक प्लस सी से बना हुआ सारणिक, और आखिरी एलिमेंट 0 होने की वजह से आंसर बनेगा 0। यहाँ बनेगा A इंटू बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस बी इंटू 0 प्लस सी, जिसको हल करने पर हमें मिलेगा AB प्लस ABC प्लस AC प्लस BC। इसको मैं लिख रहा हूँ, पहले पद को ABC बटे में C, दूसरा पद है ABC, तीसरे पद में B का गुणा और B का भाग कर दिया, और चौथे पद में A का गुणा और A का भाग कर दिया। इस आधार पर इसके प्रत्येक पद में से कॉमन आ सकता है ABC, तो शेष बचेगा 1 प्लस 1 बटे A प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी, जो कि आपके क्वेश्चन की RHS है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को छोटा करके हल किया जा सकता है। इसके बाद वाले एग्जाम्पल में हमें सारणिक के रूप में एक समीकरण दी गई है, जिसे हमें हल करना है। इसे हल करने के लिए मैं सबसे पहले C1 में चेंज कर रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 से, जिससे ये सारणिक बन जाएगी X प्लस A प्लस B प्लस C, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी पहले स्तंभ के सारे एलिमेंट एक जैसे, बाकी दोनों स्तंभों को एज इट इज लिख देते हैं सारणिक इक्वल 0, जिसमें पहले स्तंभ में से हम एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेंगे, जिसके आधार पर हमारा अगला पद बनेगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन और शेष सारणिक और इक्वल 0। अब इसमें पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति में ये दो एलिमेंट एक जैसे हैं, जिसको आगे हल करने के लिए मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ R1 माइनस R3, जिससे हमारी दी गई समीकरण बन जाएगी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और R1 माइनस R3 से हमें मिलेगा 0, 0, माइनस x, बाकी दो पंक्तियों में कोई चेंज नहीं करेंगे। इस आधार पर हमें पहली पंक्ति में दो शून्य मिल चुके हैं, तो इसका प्रसार हम R1 के सापेक्ष करेंगे, जिससे हमें मिलेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और सारणिक खोलने पर मिलेगा 0 माइनस 0 माइनस x इंटू 1 1 एक्स प्लस बी और बी से बनी हुई सारणिक और इक्वल है 0, जिसको हल करने पर हमें एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स माइनस बी इक्वल 0 मिल जाएगा, जिसको हल करने पर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बी से बी कैंसिल, और माइनस एक्स और माइनस एक्स का गुणा बन जाएगा x2। तो इस समीकरण से या तो x2 बराबर 0 होगा या x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, जिसके आधार पर इस समीकरण के हल में x का मान 0 आएगा या x का मान माइनस कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।
हमारा अगला एग्जाम्पल है 18 नंबर, जिसे हमें कुछ इस प्रकार सिद्ध करना है। इसके लिए मैं पहली सारणी को डेल्टा 1 मान लेता हूँ और दूसरी सारणी को डेल्टा 2। अब शुरू करते हैं डेल्टा 1 से, जिसमें हम पहले स्तंभ में चेंजिंग कर रहे हैं एक्स सी वन सी टू में चेंज कर रहा हूँ YC2 और C3 में चेंज किया जा रहा है ZC3, जिसको बैलेंस करने के लिए डेल्टा 1 का मान बनेगा Δ1=x²x³xyz y²y³xyz z²z³xyz से बना हुआ सारणिक, और इसके बाहर लिखा जाएगा 1/XYZ। इसके बाद इसके तीसरी पंक्ति में से कॉमन लेते हैं XYZ, जिसके बाद अगला स्टेप बनेगा 1/XYZ गुणा में XYZ, और तीसरी जो पंक्ति है उसमें आ जाएगा 1, 1 और 1, बाकी दोनों पंक्तियां एज इट इज। इसके बाद XYZ से XYZ कैंसिल और इन दोनों पंक्तियों को इंटरचेंज करते हैं, अर्थात R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं R3 से, जिससे सारणिक के मान में चिन्ह बदलकर -1 और दूसरा और जो तीसरी पंक्ति है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी और पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं है। अगले स्टेप में हम इन दोनों पंक्तियों को इंटरचेंज करने वाले हैं, अर्थात R1 इंटरचेंजिंग R2, जिससे फिर से सारणिक का चिन्ह बदलेगा, तो सारणिक की पहली पंक्ति होगी 1, 1, 1, दूसरी पंक्ति होगी X²Y² और Z² से बनी हुई, और तीसरी पंक्ति जैसी थी बिल्कुल वैसी ही रख दी गई, जिसका उत्तर आखिर में बनेगा 1, 1, 1 X²Y²Z² और X³Y³Z³ से बनी हुई सारणिक, जो कि Δ2 के इक्वल है। इसका मतलब Δ1 इक्वल हो गया Δ2। अब इसका अगला पार्ट सिद्ध करने के लिए हम पुनः Δ1 का उपयोग करेंगे, जो कि है जिसके अंदर पहली चेंजिंग कर रहे हैं C1 -C2 से। इसके आधार पर हमारे पास आएगा X-Y, X²-Y² YZ-ZX, बाकी दोनों स्तंभों में कोई चेंज नहीं है। इसी प्रकार C2 में चेंज कर रहे हैं C2-C3 से, तो हमें मिलेगा, इसके बाद इन पदों का गुणनखंड करते हैं और इसमें से कॉमन लेके हम आगे वाले पद लिखेंगे, तो हमें सारणिक मिलेगी X-Y X+Y × X-Y। तीसरे पद में से कॉमन लिया -Z, तो हमें मिलेगा X-Y। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ में Y-Z Y+Z × Y-Z और -X कॉमन लेने के बाद Y-Z और तीसरा स्तंभ एज इट इज। इसके पश्चात पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में से X-Y और Y-Z को कॉमन लेंगे, तो हमें मिलेगा कॉमन आने के बाद 1 X+Y और -Z, दूसरे स्तंभ में 1 Y+Z और -X और तीसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद पुनः C1 में चेंज करते हैं C1-C2, तो हमें मिलेगा, जिसमें पहले स्तंभ में से पुनः कॉमन आएगा X-Z, जिसे कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 1 और 1 को घटाते हैं, जिसके लिए हम R2 में चेंज कर रहे हैं R2-R3, तो हमें मिलेगा, जिसके पश्चात इसके पहले स्तंभ में आ गए 2 शून्य, तो हम पहले स्तंभ के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे, जिसके बाद हमें प्राप्त होगा X-Y Y-Z X-Z, ये तो एज इट इज थे। बाकी जो हमारे पास बचेगा वो आएगा 1 × 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर सारणिक 1Z
एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई से बना हुआ। इस सारणी को खोलें तो हमें प्राप्त होगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और सारणी को खोलने पर हमें मिलेगा जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वेयर, जिसमें जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। शेष बचे पदों में से माइनस कॉमन लेंगे तो अगला पद हमें मिलेगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, माइनस कॉमन लेके बाहर, बाकी हमारे पास बचा एक्स जेड प्लस वाई जेड या जेड वाई और एक्स इंटू वाई। इस माइनस एक का गुणा इस एक्स माइनस जेड वाले कोष्ठक से कर देंगे तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और बाकी बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाला कोष्ठक। इस आधार पर ये जो मान हमें मिल रहा है ये मान मिल रहा है डेल्टा वन का। इसे लगाया समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक व दो से हम कह सकते हैं कि, और हमें यही सिद्ध करना था। इस एग्जाम्पल में हमें बिना विस्तार के सारणी का मान ज्ञात करना है जिसको मैं डेल्टा के इक्वल मान लेता हूँ। इसे हल करने के लिए हमें कक्षा 11 का लघुगणक का आधार परिवर्तन का सूत्र याद होना चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार होता है। लॉग m आधार n पर इसका मान बन सकता है लॉग m बटे में लॉग n, जिसका आधार कुछ भी हो सकता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए सारणिक को पुनः लिखते हैं जिससे हमें ये सारणिक मिलेगी। अब इस सारणिक में जो पहला पंक्ति है उसके साथ हम लॉग एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी पंक्ति के साथ लॉग वाई का और तीसरी पंक्ति के साथ लॉग जेड का। अर्थात अगले चेंजिंग मैं करने वाला हूँ आर वन चेंजिंग लॉग एक्स इंटू आर वन, जिसे बैलेंस करने के बाद डेल्टा का मान बनेगा एक बटे में लॉग एक्स इंटू लॉग वाई इंटू लॉग जेड, और सारणिक का मान बन जाएगा जिसमें तीनों पंक्तियां एक समान हैं। और सारणिक के गुणधर्म से हम जानते हैं कि यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ एक समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो ओवरऑल आंसर बनेगा जीरो, जो कि आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको सिद्ध करने के लिए मैं LHS को ले रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसमें मैक्सिमम जीरो के लिए मैं इन दोनों का अंतर लेने वाला हूँ। अर्थात C2 में चेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C3, जिसके बेस पर मेरी सारणिक बनेगी। पहले स्तंभ में कोई चेंज नहीं, दूसरे स्तंभ पे आएगा दूसरा माइनस तीसरा स्तंभ, और तीसरे स्तंभ में कोई चेंज नहीं। इसी प्रकार C1 में चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C3, जिससे हमें मिलेगा पहले स्तंभ के स्थान पर दूसरा स्तंभ जैसा है वैसा ही, और आखिरी स्तंभ जैसा है वैसा ही। इसके बाद हम इन मानों पर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का फॉर्मर एक्स माइनस वाई, जिससे सारणी कुछ इस प्रकार बन जाएगी, जिसमें हम पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में से क्रमशः a प्लस बी प्लस सी वाले पदों को कॉमन ले लेंगे, जिसके बाद हमें उत्तर मिलेगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए हम R3 में चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R1 माइनस R2, जिससे हमें मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम R3 में से दो को कॉमन लेंगे, जिसके बाद हमें मिलेगा दो गुणा में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और सारणिक। इसके बाद C1 में चेंज करते हैं C1 प्लस एक बटे ए C3, तो हमें मिलेगा दो गुणा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और सारणिक, जिसमें पहला स्तंभ कुछ ऐसा होगा बाकी दोनों स्तंभों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसी प्रकार C2 में हम चेंज करेंगे C2 प्लस एक बटे बी C3, जिससे हमें मिलेगा दो गुणा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सारणिक में C1 में कोई चेंज नहीं
और C3 में कोई चेंज नहीं। इससे हमें R3 में दो शून्य मिल जाएंगे, तो सारणिक का प्रसार R3 के सापेक्ष करने पर, जिससे हमें प्राप्त होगा 2 × a + b + c² और सारणिक को खोलने पर पहले दो मान आएंगे 0 और आखिरी में आएगा ए बी और एक छोटा सारणिक b + c a² b, b² a और c + a से मिलकर बना हुआ, जिसको आगे हल करते हैं तो 2 × a + b + c² × ab और गुणा में छोटे सारणिक को खोलते हैं तो bc + ab + c² + ac और -ab, जिसमें ab से ab कर दिया कैंसिल। शेष जो पद बचे हुए हैं उनमें से कॉमन आ जाएगा c, जिसको कर देते हैं बाहर, तो यहाँ पर बचेगा 2 × a + b + c² बाहर abc और कोष्ठक के अंदर बचेगा a + b + c, जिसको आगे हल करने पर हमें मिलेगा 2 × abc और साथ में a + b + c³, जो कि आपके एग्जाम्पल की RHS है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 21, जिसमें हमें दो सारणिकों को इक्वल सिद्ध करना है, जो कि कुछ इस प्रकार हैं, जिसे सिद्ध करने के लिए हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें सारणिक का वर्ग है, तो हम लिखेंगे इसको सारणिक गुणा सारणिक। नेक्स्ट स्टेप में दूसरी सारणिक में C2 और C3 को इंटरचेंज करते हैं, तो केवल दूसरी सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा, तो LHS कुछ इस प्रकार होगी। पहली सारणिक में कोई चेंज नहीं, जबकि दूसरी सारणिक का चिन्ह बदलकर बाकी सारणिक बनेगी ABC, CAB और BCA स्तंभ से बनी हुई। इसके बाद इस -1 का गुणा इसके पहले स्तंभ से कर देते हैं, जिससे हमें पहली सारणिक तो जैसी है वैसी ही मिलेगी, लेकिन दूसरी सारणिक का पहला स्तंभ बन जाएगा -a - b - c, बाकी दोनों स्तंभों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद दूसरी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं, क्योंकि इससे सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा अगले पद में पहली सारणिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी सारणिक बन जाएगी -a - b - c पंक्ति, CAB दूसरी पंक्ति और BCA से बनी हुई तीसरी पंक्ति से। अब इन दो सारणिकों का गुणा हम पंक्ति गुणा स्तंभ मेथड से करने वाले हैं, जिससे हमें मिलने वाला है, जिसमें AB से AB कैंसिल, AC से AC, BC से BC, AB से AB, AC से AC, BC से BC आदि कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सब का योग होकर हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, जो इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। इस प्रकार इस प्रश्नमाला के उदाहरण कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।